अब हम कुछ एक हॉलो फिगर्स के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स देखते हैं, जैसे कि सिलेंडर अगर हॉलो होता है, ये देखो कुछ इस तरीके का होगा वो हॉलो सिलेंडर, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, मैं एक आपको शेप दिखाती हूँ अभी हॉलो सिलेंडर का। ये देखो ये एक हॉलो सिलेंडर है, तो अगर मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए तो इसके सरफेस एरिया में देखो बाहर का ये सरफेस एरिया होगा, बाहर का सरफेस एरिया, फिर इंटरनल इसका सरफेस एरिया होगा इंटरनल, और फिर प्लस ये वाला दोनों साइड का भी ये सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो ये सारा मिला के टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो अगर इसका इनर सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है, ये देखो इसका अगर हम ऊपर से इसको देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसका छोटा वाला सर्कल इनर सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है और आउटर सर्कल का रेडियस सॉरी इनर सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है और आउटर सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है, तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। ये जो है बाहर का सरफेस एरिया, अगर मुझे इसको पूरा टोटली पेंट करना है तो ये बाहर का सरफेस एरिया हो गया विच विल बी इक्वल टू 2πRH, जो कि एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है वैसे ही, प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया जो है इसका वो हो जाएगा 2πrH। देन अब ये जो एरिया है दिस विल बी द एरिया ऑफ रिंग विच विल बी इक्वल टू, एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस बिगर सर्कल का एरिया माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया, ऐसे दो हैं हमारे पास, ये दो हैं तो इंटू टू, तो ये हो जाएगा 2πr² - r², इन सब का जो सम होगा वो हमारा टोटल सरफेस एरिया है। अब इस सब में से मैं 2π कॉमन निकाल सकती हूँ, सो इट विल कम आउट टू बी 2πr - rH प्लस r² - r². ठीक है, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। आप लिखते समय ऐसा भी लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, सॉल्व करते समय हम इसको कितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि हमारा कॉमन निकल जाए और हमारा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए। इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये चीज़ ध्यान रखो कि आउटर सरफेस एरिया प्लस इनर सरफेस एरिया प्लस 2 times ऑफ दिस रिंग वुड बी द टोटल सरफेस एरिया, सो इट वुड बी r - r a² - b² इज a+b इंटू a - b। तो आप यहाँ से भी r - r को कॉमन निकाल सकते हो और इट विल कम आउट टू बी टू h+r+r। सो ये इतना सिंप्लीफाई हो जाता है, बट यू डोंट नीड टू लर्न दिस, यू हैव ओनली टू कीप इन माइंड दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज आउटर सरफेस एरिया प्लस इनर सरफेस एरिया प्लस 2 times द एरिया ऑफ रिंग। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज जस्ट द वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर, तो ये होता है πr²h - πr²h, सो इट वुड बी πh² - अगेन इट वुड बी, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला अपने आप फॉर्म हो जाता है। वॉल्यूम जो है होगा इसका बाहर का सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस अंदर का सिलेंडर का वॉल्यूम। सो दिस इज ऑल अबाउट
हॉलो सिलेंडर। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। सपोज एक बाउल है जो कि हेमिस्फेरिकल बाउल है जो हॉलो है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया होगा द कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस विच विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर वुड बी 2 पाई आर स्क्वायर। अगेन इफ आउटर रेडियस इज आर एंड इनर रेडियस इज स्मॉल आर, सो इट वुड बी दिस प्लस इनर सरफेस एरिया प्लस दिस एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग वुड बी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक ही है तो आप इस तरीके से इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। एज फार एज वॉल्यूम इज कंसर्न्ड, वॉल्यूम जो है वो होगा 4/3 पाई, इट वुड बी 2/3। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, आउटर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। सो इट वुड बी, वॉल्यूम में सिर्फ सब्ट्रैक्शन हो जाता है क्योंकि इतने मटेरियल में से इतना मटेरियल बाहर निकल रहा है, तो वुड बी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल हॉलो हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है।